ये देखिएगा ये रसल वाले पर के अंडे नहीं है। मैं प्रवीण पांचाल एक बार फिर से बुआड़ा खुर्द गांव में स्नेक रेस्क्यू के लिए आया हूं और जिस शख्स ने मुझे फ़ोन किया आपकी मुलाकात कराता हूं। आइए श्रीमान जी। नरेश कुमार राजबल सिंह पिताजी का नाम, गांव बुआड़ा खुर्द। ये एक्सपर्ट हो चुके हैं स्नेक रेस्क्यू कराने में, इनका नंबर वन में नाम है और बुआड़ा गाँव से लगभग मैं 20 से 25 सांप के आसपास रेस्क्यू कर चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं कहां पर सांप है और कैसा है, आपको भी दिखाते हैं। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, खतरा कभी भी हो सकता है। बताइए कहां है, इसके अंदर जी। ये आर पार हो रहा कहीं? नहीं, आर पार नहीं, आर पार नहीं। इधर है या इधर है? इधर है, इधर इधर है बस, इधर तो बंद है। नहीं पत्थर बाबू, नहीं जम गए इनके द्वारा। इसमें फावड़ा मारो जी, एक मिनट इधर देख लेंगे, नहीं हो जाता। तो देखिए दोस्तों, ये एक गुफा टाइप है, यहां पर ये कार्य कर रहे थे शायद कुछ प्लॉट है इनका, तो इसके अंदर ये बता रहे कि घुसा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। जैसा हमें सब यहाँ लग रहा था कि यहाँ काफी सांप हो सकते हैं, अंडे हो सकते हैं। देखिए अंडे यहाँ नजर आ रहे हैं, कई सांप के अंडे हैं और जिनमें से बच्चे हैं, ये खाली अंडे हैं, तो काफी संख्या में यहाँ बच्चे। ऊपर क्या होगा क्षेत्री से। तो देखिए दोस्तों, इतनी तलाश करने के बाद ये यहाँ पर बैठा है और ये रसल वाइपर है, जबकि जो अंडे हमने देखे हैं वो रसल वाइपर के अंडे नहीं, क्योंकि अंडे रसल वाइपर अंडे नहीं देता, रसल वाइपर केवल बच्चे पैदा करता है। चलिए इसको रेस्क्यू करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसका मतलब कोई और सांप भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक ठाक है जी, तो ये वे सांप नहीं है जो अपना कलम के लिए, फरक हो जाओ आराम से बैठ जा बाबा, सिट्टी ना मारा यहाँ से बाबा, आपको चला देगा अपना स्थान कहीं और कर ले, कहीं और कर ले मम्मी। तो देखिए दोस्तों, ये रसल वाली पर सांप है, काफी खतरनाक, और ये इतना बेकार है इसकी, दो तीन फुट उछल कर काट ले, उछल कर ये काट लेता है। मैं कुछ कह रही हूँ बेचारे को, हीमोटॉक्सिन वेनम इसमें होता है जो ब्लड को जमा देता है।
और कोई भी सांप अगर आपको काट ले आप तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं कि झाड़ फूक जाए तो उनके चक्कर में ना पड़े या फिर हमें फोन कर हिंदुस्तान का सबसे बेकार सबसे बेकार लो जी ये वो आगा जो छोल माता नहीं छोल माता नरेश वहाँ से उनकी पर्दी फल की वो आयो है भी वही वो आगा बिल्कुल सेम वही है हमने वही इसको तो का ये ये देखिएगा ये रसल वाइपर के अंडे नहीं है ये किसी और सांप के अंडे हैं। तो चलिए इसको पैक करते हैं पुनर्वास हेतु इसे लेके चलते हैं और दूसरे की तलाश जारी करते हैं। नहीं इसके अलावा ना ये तो भाई बहुत खतरनाक सांप है इससे ज्यादा खतरनाक सांप नहीं हिंदुस्तान में ये बेचारा किसी को नहीं काटता बढ़ जा बैठ तो बढ़ जब तक कहते हैं तब तक ठीक है जब ये काट लेगा ना इलाज भी मुश्किल है कुछ नहीं कहने का बस कह दिया जो कहना था इधर इधर पूछ पूछ कर जी समझा लिया डरन पकड़े हम ये घोड़ा पिछवाड़ा घोड़ा पिछवाड़ा है ना जय बाबा जय भोले बाबा जय भोले बाबा ये दूसरा सांप और मिल गया एक और था ऐसा ही वहां से बच्चा था ऐसा समझना है वो काफी घबरा हुआ है लग गया देखा लग गया फावड़ा फावड़ा लग गया इसके यहाँ मेरे यहाँ लग रहा लगा नहीं 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 फावड़ा ना लगा ये कांचली में है ऐसा लग रहा है कांचली में कांचली छोड़ रखी थी तो देखिए दोस्तों ये है इंडियन रेड स्नेक घोड़ा पछाड़ भी इसको बोलते हैं जो अंडे थे वो इसी सांप के थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे गेर लूंगा तेरे गले में ये देखिएगा ये जो अंडे हैं ये इसी सांप के हैं 10-12 अंडे हैं ये और रसल वाइपर जो यहाँ पे पाया गया वो केवल धोखे से पाया गया बाकी इसके अंडे हैं ये बच्चे निकल गए कई बार समझा रखी तो चलिए इसको देख लो भाई बेटा इसे देखो भाई ये डरने की जय भोलेनाथ की जय भोलेनाथ की जो काप तो मैं तो सही है बेचारे जय जय भोले बाबा की जय भोले बाबा की देख भोले बाबा ऐसे काट तो ले तो देखेगा दोस्तों दो सांप यहाँ से मिले हैं इनके पुनर्वास हेतु इनको छोड़ने के लिए चलते हैं और ऐसा नहीं है कि ये सांप काटता नहीं है इससे आप काट लेता है अभी पिछली वीडियो में जो काट लिया और मेरे निशान है यहाँ पर काफी ब्लड निकला था तो काट लेते हैं जरूरी और आँख पे ज्यादा हमला करते हैं ये चश्मा लगा लूँ भूल गया था तो मेरा चश्मा मुझे दबा दवा पड़े पे जरूर काट लेकिन इसमें जहर नहीं होता ये घोड़ा पछाड़ सांप है तो चलिए इसको भी हम पैक करते हैं और रिलीज के लिए लेकर चलते हैं जल्दी ये क्या देख रहा है ये रसल वाइपर काफी खतरनाक समझा जाता है और सबसे लंबे दांतों वाला कभी दूर तक उछल कर काटता है इसको यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं इसके पुनर्वास हेतु
एक सांप इसमें है, और जो वहाँ पर अंडे आपने देखे हैं वे अंडे रसल वाइपर के नहीं, क्योंकि रसल वाइपर बच्चे देता है, और इस घोड़ा बछाड़ सांप के भी अंडे हैं जिसने वहाँ दिए थे, उस अंडे से ये बाहर हो चुके, बच्चे बाहर हो चुके। देखिए ये है, इस सांप में जहर नहीं होता, यह इंडियन रेट स्नेक जिसको घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं, और कहीं कहीं पर इसको धमनी बोलते हैं। ये कम से कम भी 6-7 फुट की लंबाई का है, और काट लेते हैं ये, लेकिन मैं जहर नहीं होता इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए इसको भी यहाँ पर रिलीज कर देते हैं, और अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया तो सांप भी निकलने शुरू हो गए। चलिए बाबा,